महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हमारे हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम एमवीए के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राव जी ने आप लोगों को कराया है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे एमवीए के महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हम हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले, आप तो जानते हैं कि इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले दो मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में, तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज। तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण इस वक्त बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के एजेंडे की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कुनबा बढ़ता जा रहा है, 26 से 28 का कुनबा हो गया है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आज की तैयारियां हैं उस पर, जो कल मीटिंग होने वाली है, परसों मीटिंग होने वाली है, उन दोनों दिनों में क्या क्या एजेंडा रहेगा। कुछ देर में उद्धव ठाकरे बात करेंगे, उससे उसके बाद शरद पवार भी बात करेंगे। जब वो बात करेंगे तो आपको एक बार फिर से वहां पर ले जाएंगे। लेकिन कल से जो दो दिन की बैठक मुंबई में शुरू होने वाली है इंडिया गठबंधन की, वो काफी अहम बताई जा रही है। उसको लेकर मुंबई में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं गठबंधन के नेताओं द्वारा, और जो बाकी दलों के उनके नेता हैं, चाहे जैसे लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी के नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ ममता बनर्जी, और अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव, वो एक एक करके अब यहां पर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। नेताओं के मुंबई पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मुंबई में पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को संपर्क किया है और गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसमें अभी दो पेच हैं, एक कांग्रेस और दूसरा आम आदमी पार्टी। वो कितने इस पूरे न्योते को लेकर चाहेंगे, कितना जगह देना चाहेंगे शिरोमणि अकाली दल को, ये एक बड़ा सवाल होगा। साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल ने अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं किया है, कोई संकेत इस पर नहीं दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो हैं, उन्होंने साफ कर दिया है एक बार फिर से, जब भी ये बैठक होती है इंडिया दलों की तो उनका एक ट्वीट जरूर आता है, ये कस्टमरी ट्वीट समझ लीजिए उससे पहले, कि उनकी पार्टी एनडीए और इंडिया किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। वो लगातार ये बात कहे जा रही हैं, लेकिन कितने उत्सुक हैं
गठबंधन के ये साथी मायावती को अपने साथ मिलाने में ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था, मायावती को बहुत फायदा हुआ, इतना फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब कल से इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें क्या क्या होगा, किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से अभी तक पता चल रहा है उसमें चेहरे की जो घोषणा है उसकी कोई संभावना नहीं है, उस पर अभी बातचीत नहीं होनी, अभी उस पर आगे कई दौर की बैठकें बची हुई हैं। कन्वीनर या अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा हो सकती है, कोई झंडा नहीं ऐसा होगा कि कॉमन झंडे के तले ये सब बातचीत होगी, ऐसा कोई लोगों का घोषणा जो है वो की जा सकती है या किसी चिन्ह की घोषणा की जा सकती है, लोगों में भारत का नक्शा बनाने की कोशिश या कहीं उसको लाने की कोशिश भी है, कुछ नए दल भी शामिल हो सकते हैं, पीडब्ल्यूपी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जो महाराष्ट्र के हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, कोई थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है, सचिवालय बनाने पर घोषणा होगी, सचिवालय दिल्ली में होगा जिससे कि सारी पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इस सचिवालय की जिम्मेदारी होगी, इसमें बैठे हुए नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी बातचीत कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, हर राज्य के हिसाब से उसे कैसे ट्वीक करना है, ये सारी बातें वो कर सकें। सचिवालय का मुख्य काम जो अंतर विरोध है उन पर काम करना होगा, समाधान निकालने का होगा, 2024 में किस तरीके से साथ साथ रहना है, एक साथ दिखना है, एक भाषा में बोलना है, इसका काम भी सचिवालय के लिए अहम होगा। सचिवालय चलाने के लिए करीब 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा, 3 सब ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें 6-6 सदस्य होंगे, रैलियां मैनिफेस्टो प्रचार का काम कैसे किया जाएगा ये सब ग्रुप तय करेंगे, सीट शेयरिंग का काम जो है वो राज्य स्तर पर होगा, यानी कि कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को लोकलाइज किया जाए, और इसी वजह से कोशिश ये भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो इसमें पूरी तैयारी की जा रही है उसको भी लोकलाइज किया जाए, तो ऐसा ना हो या ऐसी उम्मीद ना की जाए कि ममता बनर्जी जब बात होगी बिहार की तो ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा तो बिहार के दल ही मिलकर तय कर लें, जब पश्चिम बंगाल की बात होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव की भी बात वहां पर सुनी जाए, इसलिए वहां पर जो इन दलों को चुनाव लड़ना है चाहे वो वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, वो आपस में बैठ के तय करें, तो इस तरह की कोशिशें की जाएंगी। एक सीट शेयरिंग का जो काम है जिस तरह से मैंने बताया राज्य स्तर पर होगा, यूपी जैसे कि वहां पर सपा कांग्रेस आरएलडी आपस में चर्चा कर लें, बिहार में सीटों का बंटवारा जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और अन्य दल मिलकर कर लें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट आपस में तय कर लें, तो सबको उसमें उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार वापस चलते हैं, शरद पवार इस वक्त बात कर रहे हैं। काम हम लोग करेंगे इतना मैं कहता हूं, और उद्धव ठाकरे इनके पास माइक देता हूं। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे। जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको, राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे, महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे, असं शासन असलं पाहिजे। दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये। मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं, एक 2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो, कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा, आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा। मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किस बानूकडनं करा, आणि मणिपूरमध्ये या दोन महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत।
और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी है, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं, और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी सबको फ्री, क्योंकि क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है, सरकार गैस वरती है, आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी, आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों, 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊ बीच काही 9 वर्ष झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही। अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला टपले मुंबई तक सुरुवात झाली होती गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना, अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं, आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू, आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद। शांत रहा, प्लीज सायलेन्स। एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार ते सांगून करा। हॅलो सर, उद्धव जी दो सवाल है मेरे, एक गठबंधन से जुड़े, किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी गठबंधन से जुड़े? दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में, संयोजक कौन होंगे इंडिया? सारी बातें आपको जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके सामने की जाएगी, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है, हमारे कोई खासगी गोष्टी काही आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत, देशाच्या गोष्टी आहेत, आणि हा देश आमचा परिवार आहे, हो देश आमचं कुटुंब आहे, आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत।